आइए हम फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं का अपना एक लक्ष्य है, जो हमारा स्वरूप है, एक विशिष्ट आकार है। इसमें आँख, नाक, कान, दांत, मुंह, हाथ, पैर एक विशेष तरह का बना है। बीचे बीच मध्य में सिर और रीढ़ है। सिर ऊपर है, रीढ़ नीचे की तरफ है। यह सब जो एक विशिष्ट आकार है, इसका एक लक्ष्य है पूरी तरह से स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वतंत्रता कहते किसको है? कि कुछ भी असंभव न हो, हम ब्रह्मांड का निर्माण कर लें, सौरमंडल बनाएं, आकाश गंगा बनाएं, तारा और चांद, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानो अपनी तरह ही इस रूप का और नया रूप, इसका और आगे का रूप, इस तरीके से सब कुछ निर्माण करने की जब सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है तो हम स्वतंत्र हैं। फिर चाहे बनाएं या न बनाएं, इसमें भी स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए यह अलौकिक रचना मिली। क्या इस तरह की स्वतंत्रता की प्राप्ति किसी ने किया है? जब योगी कथामृता पढ़ेंगे, इतिहास जानने के लिए कि भगवान राम कौन थे, भगवान कृष्ण कौन थे, हम कुछ पढ़ते हैं, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता, और ऐसे पढ़ने के लिए कबीर की वाणी, कबीर साहब कौन थे, नानक देव जी का उपदेश वो कौन थे, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब हम पढ़ते हैं उनको जानने के लिए। लेकिन जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कि गौतम बुद्ध ने जो कहा था क्या वही ठीक ठीक लिखा है, जो महावीर स्वामी शिक्षा दिए क्या उसको ठीक से लोगों ने लिखा है, कृष्ण भगवान ने जो कहा क्या वो गीता में ठीक तरह से व्यक्त हुआ है, जो भगवान राम ने कहा क्या रामायण या रामचरितमानस में है ठीक तरह से। तुलसीदास जी तो अभी हुए, इनको गए बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन लिखते समय उन्होंने कह दिया अंत में कि हम नहीं लिख पा रहे। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ जो अलौकिक है, जिसको पढ़िए तो चाहे जो भी सुर, लय, ताल के साथ गाइए, एक एक चौपाई का अर्थ जैसे समुद्र की तरह, उसके एक एक दोहे, सोरठा, पद्य, जो कुछ भी है उसके गहराई में जाइए तो थाह नहीं लगता है। इतना लिखने के बाद भी संत तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कुछ नहीं लिख पा रहे, जो मैंने लिखा है इसको मान लिया जाए, मैं स्वांतः सुखाय लिखे हैं, इसको प्रमाण न माना जाए। सोचिए कि इतने बड़े कवि, ईश्वर के इतने प्रबल भक्त लिख नहीं पाए, लिखा हुआ रामचरितमानस अंत में कि ऐसे मान लिया जाए जैसे कोई बहुत भूखा हो, उसको खाने को मिल जाए, बहुत प्यास लगी हो पानी पीने को मिल जाए, जो हफ्तों से न सोया हो सोने को मिल जाए, तो उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है हम भगवान को उससे कई गुना अधिक मानते हैं। बस इतना समझ लीजिए, उनके बारे में हम लिख नहीं सकते। इस तरीके से आप विस्तार से समझें कि लड़ी महाशय, स्वामिकेश्वर गिरी, परमहंस योगानंदा, महावतार बाबा, इन सबका उदाहरण सप्रमाण है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर महावतार बाबा सोने की महल बना सकते हैं तो पृथ्वी भी बना सकते हैं, सूरज और चांद भी बना सकते हैं, नदी पहाड़ सब बना सकते हैं। ये सब उदाहरण जो हम सुनते हैं,
ये बिल्कुल सही है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा प्रामाणिक सदग्रंथ योगी कथामृत है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको अवश्य पढ़िए रोज। अगर आप ये पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इस पुस्तक का हमसे संबंध है। जैसे प्राण का शरीर से संबंध है, वैसे इस पुस्तक का हमसे संबंध है, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं, जो सेवा करते हैं, सब इसमें है। इसके लिख जाने की वजह से बहुत बड़ा काम हो गया। अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसको प्रतिदिन पढ़िए, सोने के पहले अवश्य पढ़िए और सुबह उठते ही पढ़िए। इसमें देखिए एक चैप्टर है कि जब परमहंस योगानंद ध्यान करते करते लाड़ी महाशय की जो क्रिया योग है उसमें दीक्षित हुए। किसने दीक्षा किया? स्वामी तीर्थगिरी। लेकिन वहाँ पर बेचैन हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, कहा था कि गुरुदेव आपका आदेश हमारे लिए नियम है, आप जो कहेंगे उस पर हम चलेंगे। लेकिन अंत में विचलित हो उठते हैं, कहते हैं कि आश्रम में तो दिन रात बर्तन ही धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा सफाई खाना पीना। फिर गुरुदेव कहते हैं कि स्कूल भी चले जाइए। स्कूल भी जब जाने को कह देते हैं, अरे बहुत ही गड़बड़ स्थिति है, लगता है कि प्रभु को मिलने में अब बहुत समय लगेगा। क्यों न हम यहाँ से छोड़ करके हिमालय में जाएं और अखंड ध्यान करें और प्रभु से मुलाकात हो जाए। लेकिन उनको याद था कि बचपन में हिमालय भागे थे और जा नहीं पाए थे, वापस आए। जब वापस आ गए तब क्या हुआ? फिर वही याद आ गया कि हम फिर जा रहे हैं, गुरुदेव ने कहा नहीं, वो रोक भी रहे हैं कि पहाड़ से ज्ञान नहीं मिलता है, जंगल से ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान किसी आत्म साक्षात्कारी पुरुष से ही मिलता है। फिर भी वो निकल गए। स्वामी तीर्थगिरी प्रत्यक्ष रूप में रोके नहीं, लेकिन रोकने का संदेश दिए, निकल करके जाते हैं। तब जब पहुँचते हैं वृद्ध संत के पास, उनसे कहते हैं कि कृपा करके हमें समाधि लाभ करा दीजिए, हमारी इच्छा है कि आप हमें समाधि लाभ कराएं। तब क्या कहते हैं? अरे अभी अगर आपको हम समाधि लाभ कराएंगे तो आपके शरीर जल करके राख हो जाएगी, इसलिए समाधि लाभ अभी संभव नहीं है। कहते हैं परमहंस योगानंद महाराज, मुझे आप समाधि लाभ क्यों नहीं प्रदान कर देते हैं? फिर क्या कहते हैं विनिद्ध संत राम गोपाल बाबू जी? प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें इस संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्धोन्मिलित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे, इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। याद रखिएगा, इस क्षण शरीर तैयार नहीं है। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज की विद्युत छोड़ दी जाए तो उसके जैसे परखच्चे उड़ जाएंगे, उसी प्रकार तुम्हें नाड़ियां भी अभी ब्रह्मांड के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन नहीं कर पाएंगी। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूँ तो तुम ऐसे जलोगे जैसे मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में आग लग गई हो। तो जो हम लोग सोचते हैं कि भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हो जाती है, अभी शरीर तैयार नहीं है। भगवान की अनुभूति हो तो रही है, इसमें जो शक्ति वही है भगवान की अनुभूति। आप भगवान की कौन सी अनुभूति चाहते हैं? जिसमें सर्व समर्थ हो जाए, ब्रह्मांड को बना लें, जब चाहे प्रकट हो जाएं, अदृश्य हो जाएं, अनुभूति होगी। ये क्रिया युग ध्यान करते जाइए, शरीर को रूपांतरित करते जाइए। अभ्यास करते करते एक ऐसा समय आएगा कि शरीर तैयार हो जाएगी प्रभु के उस अनुभूति के लिए जिसके लिए हम लोग व्यग्र हैं। इसलिए हम आपके साथ हैं,
और हम बने रहेंगे। आप चिंतित न हो, हमारे साथ अभ्यास करते जाएं, बनत बनत बन जाई। अभ्यास करते करते एक दिन वो समय आ जाएगा जब आपको ईश्वर की पूर्ण अनुभूति होगी, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ईश्वर की पूर्ण अनुभूति के बाद फिर पैर रखने के लिए जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, खून की जरूरत नहीं पड़ती है, हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम जब चाहे बना लें, जब चाहे विसर्जित कर दें, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए हम लोग सुनिश्चित कर लें इस महाकाव्य में, सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ में सप्रमाण के साथ दिया हुआ है।